हाँ जी, सारे का की हाल चाल है। होप तुसी सारे ठीक होवोगे। तो बात तो क्या करनी है, आप लोगों को भी पता है ना। अब टाइम है रियलिटी देखने का, रियलिटी चेक, है ना। जैसे किस बंदे ने कहा था ना कि मैं तो बेशरम हूँ, मैं तो यूट्यूब पे नंगा भी हो जाऊँगा। तो अब भाई ध्यान से देखो, नंगा होना शुरू हो गया है, समझ रहे हो ना। नंगा होना शुरू हो गया है, अंदरूनी बातें सामने आ रही हैं, जो इसकी थिंकिंग है, जो इसकी मेंटेलिटी है, जो इसकी ऑलरेडी प्लानिंग थी, वो अब सामने आ रही है। साफ पता चल रहा है कि किसकी इंटेंशन क्या है और किसकी क्या है। आप सोचो, बंदा ब्लॉग डाल रहा है, सबसे पहले तो इसको मकसद सिर्फ ये है कि अगर प्रीति ने एक रिप्लाई दे दिया ना, तो 5-6 वीडियो बना दो उस पर। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि अब जो भी बोलेगा उस पर व्यूज़ आएंगे, और काफ़ी व्यूज़ आएंगे, है ना। और इनको किस चीज़ से मतलब है, इनको किस चीज़ से मतलब है, सिर्फ पैसे से, डॉलर से। बदनाम तो हो ही चुके हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, बदनाम तो हो ही चुके हैं, है ना। पहले से ही बदनाम थे। बस ये है कि एक सामाजिक संस्कारी होने का, इसकी माँ ने घंटी बजा बजा के ना, जब भी व्लॉग, बस घंटी वाला लोगों को दिखावा, एक लोग दिखावा किया है सिर्फ कि हम बड़े ऊपर वाले को मानने वाले हैं। सन की आंटी, आज बताती हूँ तेरी कुछ है, जो तू क्या उसको बोलते हैं, बंठन के बैठ जाती है ना। अब तेवर देखो भाई, सबसे पहले तो इन मैडम के, इस सन की डायन सास के तेवर देखो। इतनी भोली और इतनी महान आत्मा बन गई है ना, कि जैसे इसने कभी कुछ किया ही ना हो। हाथ पे हाथ धर के, मुंह नीचा करके नए चैनल पे आ जाती है, अपने चैनल पे अपना रिएक्शन देने। वाओ, रिएक्शन देने। और वो क्या बोलती है, उसको इतनी YouTube की लैंग्वेज समझ आने लगी है, YouTube पे कैसे ड्रामा करते हैं ये समझ में आने लगा है, YT के सारी चीज़ें समझा दी है बेटे ने, है ना। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि मम्मी मगरमच्छ के आंसू कैसे बहाने हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें। तो मैडम जी बेटे को क्या बोल रही है, तन्नू छन्नू तन्नू जो भी इसको बोलती है, है? तू ना कुछ कह, फिर एलीगेशन लगन गई साढ़े ते, एलीगेशन। फिर दूसरे दिन तू रहन दे कुछ बोलन नू, उन्हां नू ते कंटेंट मिल जाना है। मैडम को कंटेंट समझ में आ गया, मैडम को एलिगेशन समझ में आ गया है। अभी तुम लोग बोलते हो कि इसकी माँ बड़ी भोली भाली भली मानस है, कहाँ से भली मानस नज़र आती है तुमको, हैं? और इतनी देर से ये चैनल है, मम्मी की रसोई के जब देखा ना, 2-4 व्लॉग डाल दिए हैं, कि 2-4 व्लॉग डाल दिए हैं, क्या उसको बोलते हैं, खाने बनाने बनोने के नहीं चले, चले चलो ठीक है, ठीक ठीक से उस पर व्यूज़ आए, है ना। तो फिर अब ये मैडम, ये अब मम्मी क्या कर रही है, इसको भी पब्लिसिटी चाहिए, इसको भी व्यूज़ चाहिए, चैनल को मोनेटाइज करना है, चैनल को फिर से मतलब ट्रैक पे लेके आना है। किससे? बहू के नाम पे, प्रीति के नाम पे खाना कमाना इन्होंने प्रीति के नाम खाई है। अरे इतनी ही तुम लोगों की औकात थी, ये चैनल तो अपने दम पे चला लेते फिर, हैं? लानत है भाई, ये चैनल तो अपने दम पे चला लेते। अब क्या है, कहते हैं ना, हाथी गुजर गया चलो पूछ ही सही है, उसकी पूछ से भी काम चलाना चाहते हैं, हैं? क्योंकि बहू को बोल दिया कि घर पे नहीं लेके आना, बंदे ने भी बोल दिया, माँ की इंटेंशन तो शुरू से ही है, माँ तो शुरू से शादी नहीं चाहती थी, घर तो उसने क्या बसाना इनका, घर तोड़ने में अब तो डायन माँ सबसे बड़ी विलन निकली है, साफ नज़र आ रहा है ना। और ये बंदा भी साफ साफ अपनी जो इसकी शुरू से ही चाहत थी वो अब साफ बता रहा है ये बंदा, कि नहीं रखना है, नहीं लेके आना है वापस, कोई मतलब ही नहीं बनता पैचअप का। तो फिर भाई उसके नाम का कमाने छोड़ दो, उसके नाम का खाना ही छोड़ दो, ना 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 ना, अपने चैनल पे कुत्ते की तरह बकेगा, फिर माँ से भी बुलवाएगा, फिर माँ को भी लगाएगा वहाँ पे बहू बहू करने के लिए, कि माँ तू अपने चैनल पे बहू बहू कर बहू के नाम की, ताकि तुझे व्यूज़ आए, जल्दी जल्दी ये चैनल मोनोटाइज हो जाए और हमारा उल्लू सीधा हो जाए। कि हमें तो अपना उल्लू सीधा करना है, उल्लू सीधा करने से माँ मतलब रख। तो वो माँ भी बैठ जाती है टेसू में बहाने, इतनी भली मानस और इतनी वो क्या कहते हैं, बन के बैठ गई है ना महान आत्मा, कि जैसे इसने ज़िंदगी में कुछ किया ही ना हो। तो मैं बताती हूँ कि सन की सास का, इसका डायन सास का असली रूप क्या है, मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है कि कितनी गंदी इसकी ज़ुबान है, है ना, कैसे कैसे इसकी मेंटेलिटी है ना। तो ये बंदा बोलता है, इन्होंने आज एक बात बोली इसने, कि हम में से बच्चे पे कोई सवाल नहीं उठाता था, प्रीति को खुद ही डाउट, इस आपको खुद डाउट होगा अपने आप पे। तो मैं तुझे बता दूं, जो तेरी ऑडियो लीक हुई थी, तेरी ऑडियो वायरल की अतिया ने, उसमें तू ही भौंक रहा है
कितने लोगों को क्लैरिफिकेशन देना, डीएनए टेस्ट करवा दो, डीएनए टेस्ट करवा दो। हाँ मेरी माँ ने बोला, हाँ मेरी बहन ने बोला, डीएनए टेस्ट के लिए मेरी माँ ने बोला, मेरी बहन ने बोला। और अब यही माँ अपने आप को बड़ी सती सावित्री बता रही है, बड़ी महान आत्मा बता रही है अपने आप को, है उस वक्त जब इसकी माँ की कैंची की तरह जुबान चलती है ना, इसकी माँ आगे पीछा नहीं देखती। फिर वो आप रियलिटी में सुनोगे ना, गंद इसकी माँ के मुँह से गंद, तो पता चलेगा ये मिनी मीसनी है। मिनी मीसनी जो ये मिनी मीसनी शक्ल बना के बैठी है ना, अंदर से पूरी राक्षसनी डायन है ये। ये बातें घर पे होती थी। तो फिर डीएनए टेस्ट घर से ही निकला है, घर से ही मांगना इन्होंने शुरू किया है। ये खुद बोलता था प्रीति को, प्रीति को ये भी क्लियर करना चाहिए आई थिंक, है ना। और फिर एक जो सबसे बड़ी बात, जब इसकी बहन प्रेग्नेंट थी, है ना, इसकी बहन प्रेग्नेंट थी तो उसका हो गया ऑपरेशन, उसका हो गया ऑपरेशन। बोलती है ना कि हमारी तो बड़ी रिश्तेदारों से बनी है, यही चुड़ैल सास यही अपनी बेटी की सांस को गालियां निकालने लग गई थी कि मेरी बेटी बच्ची मेरी बेटी का ढिड पड़वाता, बच्चा तेरी बेटी ने पैदा किया, सास ने बड़ा ऑपरेशन करवाया उसका, हैं वो तो तेरी बेटी की हेल्थ के अकॉर्डिंग जो भी उसके इशू हो गए उसके अकॉर्डिंग उसका बड़ा ऑपरेशन हो गया। बोलती है कि अगर मैं होती ना, मेरे पास होती तो मैं इसका बड़ा ऑपरेशन ना होने देती। वाह भाई तू ऐसी कौन सी, अपने आप को मैं बोलने लगी हूँ, हैं तू भगवान हो गई है क्या, तू अपने आप को भगवान समझती है कि तू भगवान हो गई है, तेरे कहने से सब कुछ होगा। इसने उस वक्त इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी थी ना उसकी कंचन की सास को कि वो ऐसी है, उसने ऐसा करवा दिया, उसने मेरी बेटी के चीरे लगवा दिए, ये इतनी बैकवर्ड गंदी सोच है। अरे आजकल तो लोग खुद सिजेरियन करवाते हैं, आसान डिलीवरी हो जाती है, इनके लिए बड़ा ऑपरेशन सिजेरियन मीन्स हुआ, बहुत बड़ा हुआ है, ये हो गया वो, कमर में टीका लग गया, पता नहीं क्या हो गया, ऐसी मेंटालिटी है। और फिर कह रही है इनको खुद अपनी बेटी के बच्चे पे शक था, इनको अपनी बेटी के बच्चे पे शक था। सबसे पहले उसका चेहरा देखा कि कहीं ससुर के साथ तो नहीं मिलता है, कि ससुर के साथ तो नहीं मिलता, ऐसा शक इनको अपनी बेटी पे था खुद कि कहीं ससुर जैसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ससुर का रंग बहुत काला है, उसको काला खड़पा बोलते हैं, ये ससुर पे ना चला गया हो। अभी हस्बैंड वाइफ का दोनों का बच्चा ससुर पे किधर से जाएगा, फिर इसकी माँ सोचती क्या थी, कहना क्या चाहती थी, खुद की बेटी पे इनको भरोसा नहीं है, खुद की बेटी पे भरोसा नहीं है, उसके बच्चे को भी ससुर के साथ जोड़ देते थे जब लड़ते हैं ना एक दूसरे के साथ। और ये जो बड़ा महान आत्मा का बेटा बन के बैठा है ना ये, कि मैं इसका बेटा हूँ, मैं ये मेरा बाप, ये मेरा बाप से तूने क्या सीखा मैं बताती हूँ, तू अपने बाप जैसा है, तेरा बाप शराब पी के तेरी माँ को मारता पीटता था, वैसा ही तू करता है। हाँ तू है अपने बाप जैसा, तेरा बाप भी और कुछ क्या उसको बोलते हैं, कुछ तेरे को ज़्यादा अच्छे संस्कार नहीं देके गया, शराब पी के मारना पीटना ही सिखा के गया है। अब कड़वा लगेगा, क्यों भाई हमारी बातें क्यों कड़वी लग रही है, तुमने तो अपने मरे हुए बाप के सर्टिफिकेट दिखा के वो सब रोना रो के भी पैसे कमा लिए, वो सब रोना रो के भी तुम लोगों ने डॉलर्स कमा लिए। फिर मैं तो सच बता रही हूँ कि भाई इसका बाप शराबी था, सिरे का शराबी कबाबी, शराब पी के माँ को मारता था, इसकी माँ के चूंडे, इसकी माँ के लक्षण भी कुछ ऐसे ही थे, उसकी माँ को इज्जत नहीं देती थी, है तो फिर छित्तर खाने वाली थी। आज बड़ी सास को अपनी सेवा चाहिए ना, खुद अपनी सास की सेवा नहीं करी, तभी इसका बाप मारता था शराब पी के इसको। इस महान आत्मा जी जो बड़ी सावित्री देवी बन के बैठी है ना, कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में कुछ गलत बोला ही नहीं, घर में सबसे गंदी जबान इनकी माँ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहू है, आप अगर अच्छे ही आपके मैनर्स, अगर आप संस्कारी हो तो आप कभी भी ऐसे बात नहीं करोगे, चाहे आपकी बहस हो रही है किसी बात से, चाहे सामने वाला आपसे उम्र में छोटा है चाहे बड़ा है, आप उसको बोलोगे कि ठीक है अगर तुझको मेरी बात समझ में नहीं आती तो ठीक है ना, डिस्कशन होती है ना कि ऐसे मेने दिए जाते हैं। प्रीति के साथ एक डिस्कशन में इसने प्रीति को क्या बोला कि जित्थों आई उत्थे वाड़ दूँ। अब जो पंजाबी है वो तो समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है, जित्थे आई उत्थे वाड़ दूँ। तो अब क्या तेरा बेटा और तेरी बेटी जहाँ से आए हैं वहाँ वापिस जा सकते हैं? कोई भी नहीं जा सकता। तो ये सबसे गंदी जबान है ऐसे शब्द बोलने। और फिर दूसरी बार, जो एक बार नहीं, जो प्रीति को बार बार बोला जा रहा था कि बच्चा पीछे से लेके आई है, बच्चा पीछे से लेके, अब उसी बच्चे के नाम पे कमा रहे हैं, उसी बच्चे को जिसको सारे जहान की इन्होंने गालियां दी, सारे सोशल मीडिया से गालियां पढ़वाई, उसी बच्चे को अब मोहरा बना के कमा भी रहे हैं कमीने। इतने गंदे लानत है तुझ पे। तू प्रीति को बोलता है ना कि बेवकूफ, बुद्धिल होता कि क्या होता है यार, मुझसे तो बोलना भी नहीं आता और बदतमीज बोला तूने। एक्चुअल में प्रीति बेवकूफ है,
क्योंकि वो तेरी बातों में आ गई, कमीने की बातों में, और तू है निहायती बेईमान, कमीना और लानती इंसान, उससे भी बड़ा भिखारी इंसान, भुखड़ भिखारी। तुम लोगों की कोई औकात नहीं थी, मैं शुरू से बोलती हूँ, कोई औकात नहीं थी, ये चैनल की वजह से ही औकात बनी है। भुखड़ो, पुरानी बातें ज़रा याद करो, पुराना अपना समय ज़रा याद कर ले, मर रहा था जब तू। तो वो बेवकूफ़ थी जो इसकी बातों में आ गई और इसके इस नकारा बंदे से शादी कर ली। ना शक्ल देखी, ना अकल देखी, और ना कमाऊ देखा। शक्ल तो अब भी देख लो इसकी कैसी है, मुंह में दांत देखो इसके, इतने गंदे दांत। आज बोल रहा था ना कैमरा, ऐसे दांतों पे ला ला के दिल करता था थूक दो इसके मुंह पे। बोलना नहीं चाहिए ऐसे किसी को, बोलना नहीं चाहिए किसी की भी लुक्स पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतने हंकारी लोग जिनके पल्ले कुछ नहीं है लेकिन अकड़ करोड़ों की, औकात चवन्नी की और अकड़ है करोड़ों की, उनको बोलना पड़ता है कि भाई आईने में अच्छी तरह से अपनी शक्ल देख ले पहले, तुम कोई शाहरुख खान नहीं बचा कि तेरे बिना प्रीति मर जाएगी। वो जो आने की बात करेगी वो अपनी शादी की रिस्पेक्ट रख रही है कि शादी की है कि चलो चांस पे चांस, पहले भी तो चांस पे चांस देती थी तुझे। और ये बंदा बोल रहा है 28 जुलाई तक मैं पॉजिटिव था, 28 जुलाई तक। मैं बताती हूँ कुत्ते, तू कब तक पॉजिटिव था? ये सिर्फ तब तक पॉजिटिव था जब तक इनकी शादी हो गई और प्रीति प्रेग्नेंट हो गई, बस पहले के 4-5 मंथ ये पॉजिटिव था। क्यों? क्योंकि इसने मन में लेके ही प्लानिंग ही ये करके चला है कि शादी के इतनी देर के बाद जब मेरा चैनल वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा तो मैं प्रीति को छोड़ दूंगा। ये इसकी शुरू से साजिश थी और ये गलती प्रीति की है। बहुत लोगों ने प्रीति को बताया था, बहुत हमारे परिवार में से ही कुछ लोगों ने बताया था फ़ोन करके, किसी ना किसी तरीके से कंटेक्ट करके कि ये लोग बहुत गंदे हैं, इसकी माँ ऐसी है, इसकी बहन ऐसी है, उसको बताया गया था। लेकिन वो होता है ना कि प्यार में आँखों पे पर्दा पड़ जाता है, जब बंदा ऐसी बातें जैसी इसने की, जैसे प्रीति बता रही है, पैरों में पड़ गया था, बताता था कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये मैं लाइक करता हूँ, ये वो, बस फिर बंदा ऐसी बातों में आ जाता है, फिर किसी की सुनता थोड़ी ना है ना। तो वो जाल बिछा के इसने प्रीति से शादी की और जब चैनल हो गया एस्टेब्लिश्ड तो जो ये बंदा 28 तक बात कर रहा है, जब बच्चा प्रीति के पेट में था, ये बच्चा बंदा तो तभी उसको बोलता था डिवोर्स दे दे। तो तब से इसकी प्लानिंग है। सोचो प्रेगनेंसी पे बोल रहा है कि जा ऐसे ही चले जा, अकेले ही बच्चा पैदा कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन मुझे तलाक दे दे, म्यूचुअल डिवोर्स दे दे। यूट्यूब पे आएंगे, एक साथ बोल देंगे कि हमें आपस में बनी नहीं, मदर सिस्टर की वजह से नहीं बनी, या जो भी है नहीं बनी, तो हम अलग हो रहे हैं। इसने इतना आसान समझा था यूज़ एंड थ्रो, किसको यूज़ करूँगा थ्रो करूँगा, पहले ही इस पे लग चुका है एक रिश्ता टूटने का दाग, तो मैं भी इसको छोड़ दूंगा, इसकी कौन सुनेगा, सब मेरी साइड देंगे, जो कि हुआ भी। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियंस लोग हैं ना भेड़ चाल है हमेशा, जो इस तरह के मर्द प्रधान समाज है ना, इन लड़कों को समझते हैं कि बस लड़कियाँ ही गलत हैं, और अगर किसी के साथ एक बार गलत हो गया तो उसी को गलत बोलेंगे। लेकिन हम तो सच्चाई जानते हैं ना, इसीलिए शुरू से प्रीति को सपोर्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि प्रीति सही है यहाँ पे। ये बंदा सेल्फिश कमीना निकला है। और फिर इस बंदे ने तब से इसका माइंडसेट था कि मैंने प्रीति को छोड़ना है। फिर पहले 5-6 महीने अकेला प्रीति का साथ खड़ा रहा, जब इसने देखा कि मेरे कहने से भी ये तो मान ही नहीं रही, आसानी से छोड़ ही नहीं रही, फिर अपनी माँ और बहन के साथ मिल गया, फिर मिलके तीनों तंग करने लग गए इसको, फिर मिलके तीनों तंग करने लग गए। और ये बंदा बोल रहा है कि क्या उसको बोलते हैं कि मेरी माँ ने ऐसा कभी नहीं कहा, मेरी माँ का बीच में कोई, अरे तेरी माँ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चीज़ें तेरी माँ छुपाती थी, खाने की चीज़ें तेरी माँ छुपा लेती थी, दूध चीनी पत्ती तेरी माँ छुपा लेती थी, जबकि ग्रोसरी प्रीति के पैसे से आती थी, फिर भी दूध छुपा लेती थी कि दूध पत्ती और चीनी लेके आई है, तो दूध तो नहीं ना लेके आई। और इस वजह से प्रीति को अपना दूध भी अलग से लगवाना पड़ा था, ऐसे के लोग हैं। और फिर तेरे जैसा भुक्कड़ इंसान किस चीज़ के लिए लड़ता था, दूध तो हमारा है तूने लगवा लिया, लेकिन इसके ऊपर जो मलाई आएगी ना वो मेरी माँ को देना, इसकी माँ मलाई खा खा के मर जाएगी, भैंस बनी पड़ी है, मलाई पता नहीं इसको क्यों चाहिए भाई, मलाई खाती रहती है, इतना इतना घी बनाती है, खुद ही ठूस जाती है सारा, इसका अपना ही पेट नहीं भरता इसकी माँ का। लोग माएँ होती है ना वो बच्चों का सोचती है, इनके घर में बच्चा इसके लिए कौन था, बेटी तो शादी करा के चली गई अपने घर, पीछे 2 बच्चे यही थे, प्रीति थी और ये कुत्ता था, है ना, इनके बारे में सोचना था, लेकिन इस माँ को क्या था, घी बनाना है, चोरी छुपे अपने कमरे में रख लेना है, वहाँ ना प्रीति खाए ना किसी और को खाने देना है, प्रीति को तो भूल के भी नहीं देना चाहते थे ये घी, है ऐसी इनकी मैंटेलिटी थी। आज बातें और ये बंदा मैंटेलिटी, लोग मुझे इतनी हंसी आई इसकी बात सुन के, कह रहा है
कि इनको पता है कि YouTube पे कंट्रोवर्सी चलती है, शादी प्रेगनेंसी डिवोर्स ये चलता है, ये इनको पता करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तुझको पता चला था, तुझे अपने फेवरेट यूट्यूबर्स देख देख के ये तुझको पता चला था। क्यों? क्योंकि प्रीति को तो ये, प्रीति की फैमिली को ये कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत तब होती अगर उनके चैनल्स ना चलते होते। उनके चैनल्स तो इतने अच्छे चलते थे ना कि 100K तक, 150, यहाँ तक कि प्रिया के तो मिलियंस में व्यूज़ गए हैं, जब तेरे जैसे गंदे इंसान इनकी ज़िंदगी में नहीं आए थे। तो इनको तो कंट्रोवर्सी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इनके सिंपल व्लॉग्स इतने अच्छे और इतने रॉ व्लॉग्स इतने अच्छे होते थे गाँव के, तो इनको तेरी तरह गंदा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये गंदा दिमाग चला तेरा, यूट्यूबर तो ये है ही, इससे शादी करता हूँ प्रेगनेंसी होगी फिर तलाक होगा कंट्रोवर्सी होगी मेरा चैनल पफ जाएगा ऊंचाइयों पे, जो कि हुआ भी, तेरे व्यूज़ जो ऊंचाइयों पे जा रहे हैं इन्हीं की प्रीति की वजह से तो जा रहे हैं, लेकिन उसमें वजह क्या, उसकी ज़िंदगी ख़राब की तूने। इनको इस कंट्रोवर्सी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जितने व्यूज़ इनको तब आते थे ना जब तुम दो गंद लोग इसकी लाइफ में नहीं आए, उतने व्यूज़ अब कभी भी नहीं आए इनको, कभी भी नहीं आए तीनों को ही, क्योंकि तुम दो गंदे ग्रहण इनकी ज़िंदगी में इनके परिवार के साथ चिपक गए। एक वो कमीना 420 कचरा, और उससे भी बड़ा तुम, एक से बढ़कर एक। कुछ लोगों की होती है किस्मत ख़राब, एक नहीं दो, एक बार नहीं दो दो बार धोखा होता है इनके साथ, जो कि प्रीति के साथ हुआ। और ये कंट्रोवर्सी तूने सोच के, ये माइंडसेट और प्लानिंग तेरी थी, मैं 100% श्योर हूँ इस बात को लेकर। अब श्योर क्यों, आप लोग पूछोगे कि आप इतनी श्योर क्यों, भाई ध्यान से सुना करो मेरी ऑडियोस ध्यान से, मैं बहुत देर पहले से आपको बोल रही हूँ कि भाई ये कहीं और मुंह मार रहा है, इसका चक्कर कहीं और है, और एक जगह नहीं दो दो तीन तीन जगह है। और आप लोगों को क्या लगता है कि बस ऐसे ही कंट्रोवर्सी चलती है, उस पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं बस। अब देखो अब इसको आग क्यों लगी हुई है, आग लग गई इस बात की कि प्रीति ने बना लिया माइंड सेट वापस जाने का, क्योंकि भाई कोर्ट में बात हुई होगी, मीडिएशन में भी बात हुई, बहुत सारी बातें हुई, कई कुछ हुआ, हो जाता है कई बार इंसान ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर हो जाता है बच्चों के लिए, है ना। तो ऐसी कोई सिचुएशन बनी होगी जो उसने ये सोच लिया है ना, जबकि मैं इसके हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। इतना कुछ हो जाने के बाद एक ऐसा गंदा इंसान जिसने आपको इतना बदनाम किया, इतना कुछ तुमको करैक्टरलेस ही बोल दिया, उस बंदे के साथ तुम किस तरह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में रह सकती हो। और किसी जगह नहीं ये लिखा कि एक बच्चे के लिए अपनी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दो, एक ऐसे बाप के साथ कंप्रोमाइज़ करो जो आपकी औलाद की का भी सगा नहीं है, उसके लिए भी खतरा है, समझ रहे हो ना। बहुत सारी सिंगल मदर्स हैं, बहुत सारे सिंगल फादर सिंगल मदर्स हैं, सिंगल हैंडेड बच्चा पालना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, जबकि आप अर्न करते हो तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत सारी सिंगल मदर्स हैं सिंगल फादर्स हैं, ये कोई हवा नहीं है। और ये अनपढ़ गवार औरतें जो बकवास करती हैं माँ बाप का प्यार चाहिए, माँ बाप का प्यार, जब माँ बाप प्यार से बच्चा पैदा होने के बाद बाप प्यार से माँ के साथ मिलके बच्चा पाल नहीं सका, अब क्या खाक प्यार करेगा बच्चे को, अब कौन सा प्यार है। जब उसके मुश्किल दिन निकल गए, जब बच्चे को दोनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो दिन निकल गया, अब बाप का प्यार जग गया। और ऐसे बातें करती हैं जैसे इनके घरों में कहीं डिवोर्स ही ना हो। सबसे ज़्यादा डिवोर्स तो इसे भंकू की फैमिली में हुए हैं, और बच्चे छोड़ के आई हुई हैं आराम से, बच्चे छोड़ के आई हुई हैं। कुछ तो भाभियाँ ऐसी हैं कि जो बच्चे छोड़ के भाग गई हैं किसी के साथ, फिर कभी वापस ही नहीं आई। तो ख़ानदान के तो इनके भी चर्चे बहुत हैं, बहुत कुछ है बताने को, लेकिन अभी मुझे इसी पे फोकस करना है ना, जो ये बातें कर रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी इसके मन में आई कि मेरा चैनल तभी चलेगा अगर मैं ये वाला स्टंट करूँ, तो उस स्टंट में इसने प्रीति की ज़िंदगी ख़राब कर दी। और एक बात मुझे इतनी हंसी आई, कह रहा कि प्रीति ने मुझे यूज़ किया मेरा चेहरा। अरे तेरे चेहरे की वैल्यू क्या थी, तेरे चेहरे की क्या वैल्यू थी, हैं? चैनल सिर्फ नाम का था तेरा, पहले चलता चलता कुछ नहीं था, कोई व्यूज़ नहीं आते, और शक्ल तेरी, तू इतना कोई स्मार्ट तो है नहीं कि तेरा चेहरा दिखा के हाय प्रीति ने व्यूज़ ले लिए। प्रीति के चेहरे का तूने फ़ायदा उठाया है कि वो वेल नोन थी, वेल एस्टेब्लिश्ड चैनल है यूट्यूब पे, और तू था शुरुआती तौर में, कमाता भी नहीं था चैनल से अभी, तो उस चेहरे ने तेरे चैनल को पहचान दी है, तूने यूज़ किया है प्रीति का, और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मेरा चेहरा यूज़ हुआ है। अरे तेरी जगह ना प्रीति अपने साथ कुत्ता भी खड़ा कर लेती ना तो उसको भी फ़ायदा ही होना था, समझा। तूने फ़ायदा उठाया है, वो नॉन थी तू नॉन नहीं था,
पालतू कुत्ता रख लेती ना प्रीति, जैसे तूने रखा था, फिर जैसे तूने रखा था लोगों के व्यूज़ लेने के लिए, लेकिन उस बेचारे की भी क्या हालत कर दी। मुझको पता है, मैंने बहुत बार लोगों को बताया, उसको मारा पीटा जाता था डंडे से, इसकी माँ उसको डंडे से मारती थी। हमने भी एनिमल्स रखे हैं, कभी भी अपने एनिमल्स को ऐसे बांधा नहीं है, ना उनको कभी डंडे से मारा है, प्यार से रखा है। बहुत सारे जानवर रखे हैं, लेकिन इसकी माँ रस्सी से बांध के जब उसको घुमाने ले जाती थी ना, तो साथ में डंडा ले जाती थी, डंडे से मार मार के घुमाती थी। दूर फिट्टे में ऐसा जानवर रख के बेचारे की वो ख़राब करने का, उसकी भी बद्दुआ लगेगी तुम लोगों को, डोंट वरी, उसकी भी बद्दुआ लगेगी तुमको बेजुबान की। जितना तेरी माँ ने उसको मारा है ना, तेरी माँ को ही लगेगी बद्दुआ, डोंट, टेंशन मत ले। और फिर मुझे याद आती है बातें, भूल जाती हैं, याद आती भूल जाती है, क्यों? क्योंकि बार बार वही बातें डिस्कस मैं करना नहीं चाहती, शॉर्टकट आपसे बात करती हूँ, सिर्फ इसके टू द पॉइंट जो इसने बोला इन पॉइंट्स के ऊपर। तो ये अपने चेहरे को वैल्यूएबल समझता था, जो कि इसकी गलत फहमी है, उसके चेहरे का फ़ायदा इसको हुआ है, हैं, उसके चेहरे का फ़ायदा इसको हुआ है, तभी तो आज लाखों में खेल रहा है। 5,000 कमाने वाला एजेंट आज लाखों में खेल रहा है, औकात से ज़्यादा मिल गया, इसीलिए तो उछल रहा है, घड़ा ना हिलने लग गया है ज़्यादा। और माँ को लालच वाइटी का ऐसा पड़ गया है, वो होती नहीं बदमाशी खिलाने वाली गुंडी औरतें, उनकी तरह आके पास बैठ जाती है, अब तो बेटे को बताती है, कंटेंट ना दे इन्हू, साढ़े तो एलिगेशन ला देंगे, हैं, लगता है आपको किसी जगह से ये भोली भाली है? अरे पैसा नचाता है, पैसे के आगे दुनिया नाचती है, मैंने आपको पहले बोला था, पैसे के आगे दुनिया नाचती है, पैसा ही सब कुछ है इन लोगों के लिए, पैसे के लिए पागल हुए हैं, माँ बेटा दोनों पैसे के लिए ऐसे पागल हो गए। अरे समझने वाले इनके शक्लों से समझ जाएंगे कि इस समय इनके चेहरों पर कितना लालच लटक रहा है, कि दूसरा चैनल भी अपने सर पे अपनी मेहनत से नहीं चलाना है, अभी जो कंट्रोवर्सी प्रीति की शुरू हुई है इसी से चलाना है, और माँ को भी वही दो नंबर की कमाई खानी है, फट जाएगी, फटने वाली तो हुई पड़ी है, अब और हराम की कमाई खा खा के फटोगे, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, कहते हैं ना नाले चोर नाले चतर, चलाकियां चोरियां करियां ने खुद और नाम दूसरे पे। इसकी माँ, तो मैंने आपको बताया ना, इसकी माँ पता क्या किया था, इसकी माँ ने अपनी रजाई छीन ली थी प्रीति से सर्दियों में, उसका भी गली तक छोर बड़ा स्यापा बड़ा रोला पड़ा था, तब प्रीति ने ऑनलाइन अपने लिए कंबल ऑर्डर किया था, कभी वो क्या उसको बोलते हैं, वो येलो वाला कंबल क्वेरचुर जो था, तब उस वक्त ऑर्डर हुआ था जब इसने क्लेश करी थी, अपनी रजाई छीन ली थी कि अपने लाओ, मैं नहीं दूंगी अपना सामान, अपना यूज़ करो, घर की छोटी छोटी चीज़ें जो कुछ भी बेड शीट्स ये वो सब प्रीति ने इसीलिए मंगवाया था, क्योंकि ये अपना यूज़ नहीं करने देती थी। और वो तुच्छी सी हरकत बताऊँ, भूखे लोगों की तुच्छी सी हरकत इनकी बताऊँ, शादियों के कार्ड आते ना हमारे घरों में, शादियों के कार्ड आते, साथ में मिठाई का डब्बा आता है ना, ऐसे ही इनके घर में शादी का कार्ड आ गया और मिठाई का डब्बा आ गया है, तो जैसे कि सबको आदत होती है भाई, बच्चे हैं घर में, ये थोड़ी है कि बहू तो 80 साल की लेके आई हो, बुढ़ी है तो वो उसके उसको शुगर है, वो मीठा ना खाए, वो चाय भी ना पिए, अपने जैसी समझ रखा था है। तो बंदा क्या करता है कि चलो वो डब्बा आया है, चाय बनाते हैं, साथ में मिठाई खाते हैं, सब खाते हैं, ऐसे ही होता है। तो इसने खा ली प्रीति ने मिठाई चाय के साथ, अब सारा डब्बा तो नहीं ना खा गई, तो एक दो पीस खा लिए होंगे भाई। इसकी सास ने वो बवाल किया, क्यों? कि हमको तो ये डब्बा आगे देना था, किसी को आगे चलाना था, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਐਸੀ ਹੈ ਇਸਕੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਬਤਾਤੀ ਹੂੰ ਆਪਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ, ਜੇ ਡੱਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੈਂ ਤੁਮ ਲੋਕੋ ਕਾ, 400-500 ਕਾ ਡੱਬਾ ਆਤਾ ਹੈ, 1,000 ਕਾ ਆਤਾ ਹੋਗਾ ਬਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ 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 ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਫਰਿੱਜ ਮੇ ਲਗਾ ਛੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਬ ਕਹੀਂ ਜਾਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵਹੀ ਕਹੀਂ ਸੇ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਡੱਬਾ ਆਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਐਸੇ ਇਨਕੇ ਹਾਲਾਤ ਥੇ, ਬੁੱਖੜ ਥੇ ਯੇ ਲੋਗ, ਅਬ ਇਨਕੋ ਬਾਤੇਂ ਆਤੀ ਹੈਂ। इतनी कि इनके घर में वो थी, मतलब कि आज़ादी थी कि बंदा फ्रिज से या कहीं से आई हुई मिठाई भी नहीं खा सकता, इतनी औकात के मालिक थे। अब कल को क्लैरिफिकेशन देने आ जाएगा इसकी, नहीं वो ये होता है, देखना होता है किसके घर से कैसा डब्बा आया था, ये कुछ नहीं होता ऐसा, ये अपनी गलत चीज़ों की क्लैरिफिकेशन देने आती है, अपनी गंदी आदतों की भी क्लैरिफिकेशन देते हैं इतने गंदे। और अब जो मैंने मेन बात आप लोगों से करनी थी है ना, अब देखो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था
कि प्रीति से शादी इसने की है चैनल एस्टेब्लिश करने के लिए, कमाई करने के लिए, कि मैं जब कमाऊ हो जाऊंगा तो प्रीति को मारूंगा लात, और असली इसकी सांठगांठ कहीं और है। लेकिन मीनवाइल ये इतने पीरियड में बच्चा हो गया, ये सब शुरू हो गया, लोगों का प्रेशर इस पे बनने लगा। अगर प्रीति आसानी से तलाक दे देगी ना इसको, तो ये कभी, ये जो सब हो रहा है ना, कभी कभी ना होता, सॉरी कभी भी ना होता। बच्चे का ये सब, बच्चे का नाम सब कुछ आया, लोगों ने प्रेशर बनाया कि तुम्हारा बच्चा है, तुम मिलते नहीं हो, ये वो। लोगों के सामने सच्चा इनको होने की आदत है, लोगों के सामने सच्चा होने की इनको बहुत गंदी आदत है, कि सब कुछ कर कतर के लोगों के सामने क्लैरिफिकेशन ऐसे देते हैं कि बस यही सच्चे हैं। तो वो क्लैरिफिकेशन दी इसने ये साबित करके कस्टडी, वरना विजिटेशन राइट तो बहुत पहले ले सकता था। ये सब ड्रामा, भाग दौड़ करना, ड्रामा भाग दौड़ पता तब अब तक किस लिए कर रहा है? बच्चे का खर्चा नहीं देना, बच्चे का खर्चा ना देने के लिए कोर्ट में भिखारी बन के जाता है, कोर्ट में भिखारी बन के जाता है बच्चे का खर्चा ना देने के लिए। लेकिन एक बात सुन ले बच्चू, माँ लाखों कमाती हो ना, लेकिन बाप की कमाई के अकॉर्डिंग जितना बच्चे का खर्चा लगना है वो लगना ही है, वो कोर्ट ने लगाना ही लगाना है। तो जो मेन पॉइंट था कि अगर प्रीति इसको आसानी से तलाक दे देती ना, ये छूट जाता, और कुछ ही देर बाद आपको नई शादी भी नज़र आ जाती। अब क्या हुआ, एक पकड़ी, दो पकड़ी, तीन पकड़ी, तीन तीन तरफ तो चक्कर चला रहा है ना। अब क्या है, जिसके साथ अब शादी का मेन बहाना होगा, वो बिल्ड कर रही है प्रेशर, वो प्रेशर बिल्ड कर रही है कि भाई भाई कह देगी अब हार कर उसको, अगर पता चले कि इसका कंजर खाना तो सालों साल चलना है, जैसे कि बार बार आके बोल रहा था लड़ूंगा, 4 साल लड़ूंगा, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल भी लड़ूंगा, तब तो बड़े डायलॉग मार रहा था हैं? अब तू 9 वापस लेके डिवोर्स अप्लाई करने वाला है, अब कहाँ गए तेरे साल, अब रुक ना 8-10 साल रुक जा, फिर क्या हुआ 50 की उम्र में शादी कर लेना, इसमें कौन सी बात है, हो ही जाएगी तेरी 50 की उम्र में, हो ही जाएगी शादी, कोई चक्कर नहीं है, तेरी माँ ढूंढ लेगी कोई ना कोई। तो अब क्या है कि प्रेशर बिल्ट हो रहा है उस लड़की का, वो इसको बोल रही होगी है कि तू तो बड़े खुलेआम बोल रहा है ऐसे, तू ये करेगा वो करेगा, तेरी मीटिंग्स भी शुरू होने लग गई है, बच्चे के साथ साथ तू अपनी वाइफ को भी मिलेगा है ना, और तूने तो लगा भी रखा है कि तुझे घर बसाना है, तो लड़की भी अब हवा दे रही है कि ठीक है सब कुछ भूल भाल के लड़की भी घर बसाने के लिए तैयार है ना, फिर तो वो घर आ जाएगी। अगली भी ठोकेगी फिर इस पर रेप का चार्ज, रेप का चार्ज ठोकेगी कि भाई शादी का लारा लगा कर उसका फ़ायदा उठाया इसने। अब फ़ायदा कैसे उठाया, अभी हाल ही में गया है मिलने, जिस होटल में रुका है उसमें थोड़ी सी वीडियो बनाई है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं बताया कि मैं यहाँ क्यों रुका हूँ, किसके साथ रुका हूँ, किस काम से आया था, ना 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 ना, वो गोलमोल कर दिया गया, उसी को मिला है, फिजिकली उसका फ़ायदा उठा रहा है फ़िलहाल। और अगर इसकी शादी अब बैक टू ट्रैक आ जाती है, वापस चली जाती है प्रीति, तो फिर वो तो भाई जिसका फ़ायदा उठाया है तो वो तो फिर इस पे चार्ज लगाएगी कि भाई मुझे मेरा फिजिकल यूज़ किया है, शादी का बहाना लगा के, शादी का लारा लगा के मेरा यूज़ किया और अपनी वाइफ के साथ फिर से सेटलमेंट कर लिया इसने, तो उस केस में जाएगा उल्टा अंदर। अब क्या हुआ है, कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर पे अटका, अब इसका वो हाल है, आसमान से गिरा है खजूर पे अटका है, मुझसे पेपर पे लिखवा के साइन करा लो अगर ये बात ना हो तो, बता दूं मैं आपको। और अब क्या चाहता है ये कि डिवोर्स हो जाए, प्रीति से हो छुटकारा, तो पैसे तो लाखों कमा लिए बेटे के नाम से, कमा लिए प्रीति के साथ कंट्रोवर्सी करके कमा लिए, अब क्या करेगा, अब इसको करनी है धूमधाम से दूसरी शादी। दूसरी शादी का फिर कंटेंट होगा, शॉपिंग होगी, ये होगा वो होगा, फिर सब अब उन सब चीज़ों के लिए मरा जा रहा है। अब उन सब चीज़ों के लिए मरा जा रहा है कि जल्दी जल्दी प्रीति से पीछा छूट जाए और मैं अपना अगला लड्डू खाने के लिए तैयार हो जाऊँ।
अगले बच्चे पैदा करके छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊं। क्योंकि कहते हैं ना, सांप की फितरत है डसना। आप सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो, उसकी फितरत है कि वो डसेगा। तो जिसको डसने की आदत पड़ जाए ना, तो वो आदत फिर आसानी से तो जाती नहीं है। और बोल रहा है नहीं चाहिए मुझे कमाऊ बीवी, नहीं चाहिए इंडिपेंडेंट। भाई तब तो चाहिए थी, जब तू भूखा मर रहा था तब तो चाहिए थी, तब तो उसके पैरों में पड़ गया था। अब तो जिसको बोलता है वाइफ कहने में शर्म आती है, या तू हमारे काबिल नहीं थी। भाई तू उनके काबिल नहीं था, एक कुत्ते को मुंह लगा लिया उन्होंने, इंसान को नहीं, कुत्ते को जवाई बना लिया उन्होंने। उनको थोड़ी पता था कि इंसान के रूप में ये तो कुत्ता है। अरे नहीं, सॉरी, रियली सॉरी, कुत्ता बोल देती हूँ। जानवर तो फिर भी वफादार होते हैं, फिर भी क्या, हमेशा वफादार ही होते। तू तो कुत्ता भी नहीं बना, क्योंकि तूने उसकी रोटी खाई। एक कुत्ते को एक दिन रोटी डाल दो ना, चाहे गली से आप 1000 बार गुजरो, वो आपको पूछ ही मारेगा, प्यार ही जिद दिखाएगा आपके लिए, हैं। लेकिन तू तो कोई ऐसा जानवर निकला जो सब कुछ निगल गया प्रीति का, फायदा उठा लिया। वो कहते हैं ना, अब बात कर रहा है कि तू तो ये है, तू तो वो है। और पहले जब कोई औकात नहीं थी, उसके पैरों में पड़ गया था, पैर चूमने को भी तैयार था कि तू मेरी दुनिया है, तेरे बिना ये, तेरे बिना वो। क्यों? तब पैसा नजर आता था कि भाई इससे शादी करूंगा, चैनल चलेगा, डॉलर गिरेंगे, डॉलरों के लिए। अब तो माँ बेटा इतने अंधे हो गए हैं, जो समझदार इंसान है ना, इंसान परखने की जिसमें क्षमता है ना, वो इंसान अब इन दोनों माँ बेटे को जब बैठ के व्लॉग बनाते, इनके चेहरे पड़े, इनके चेहरों पे लानत लिखी हुई, इनके चेहरों पे लालच साफ नज़र आता है कि इन लोगों को इतने कंजर बन गए हैं। कंजर बिकाऊ हो जाते हैं ना, जो उनको कंजर ही बोलते हैं, जो बिकाऊ होते हैं, ये पूरी तरह तरीके से कंजर बन गए हैं कि अपना अब सब कुछ बेचना है। किस लिए? यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, व्यूज़ के लिए। हमें क्या, तू 10 चैनल खोल के दे अपनी माँ को, तू 10-20 चैनल खोल के दे, किसी को क्या प्रॉब्लम है? प्रीति को क्या प्रॉब्लम है, या किसी भी को, हम को, किसी और को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अपने दम पे चला के तो देखो। माँ को भी वही बहू के गुणगान लगाने पे लगा दिया कि माँ तू खुद करेगी ना, तड़के छड़के लगाएगी, इतने व्लॉग नहीं चलेंगे। बहू के व्लॉग्स पे रिएक्शन देना शुरू कर दे, माँ बहू के व्लॉग्स पे रिएक्शन दे, देखना कितने व्यूज आते हैं। तो माँ भी हो गई शुरू, माँ भी हाथ जोड़ के बैठ गई वही ड्रामा करने। वही खसम जिसके मरने के बाद नहीं कभी इतना रोई होगी जितना अपना चैनल चलाने के लिए रोई है। हमको तो पता ही है कितना रोई है। ये वो औरत है जो चाहती है प्रधानगी अपनी हर जगह, कि हर जगह मेरी चले। इसने, इसकी माँ ने, ये जो डायन सास है ना, इसने प्रधानगी कंचन के ससुराल में भी करने की कोशिश की थी कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो। उन्होंने आगे से फिर एक दो बार जब लगाई ना कि भाई अगर इतना ही है तो अपनी बेटी घर ले जाओ, तब हटी है उनके घर में इंटरफेयर करना, इसीलिए तो जाती नहीं। अब क्या बोलती है, साफ साफ दही जाना चंगा, साफ साफ दही। पता है ना कि जहाँ मेरी चलेगी नहीं, मैं जाके क्या करूँगी, वो तो फिर मुझे मेरी औकात दिखा देंगे वो तो मुझे मेरी औकात दिखा देंगे फिर, है ना। और उसकी सास को बुला, उसकी सास को बोलती थी कि जनाना है, जनाना होके ऐ नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, मैं भी जनाना, तू भी जनाना, ऐसी गंदी गंदी लैंग्वेज में बात करती है ये। बेटी तेरी ने बच्चा पैदा किया, मर्जी से अपनी उसके बाद तुम अपने घर में लेके आए हो, है ना, और एहसान उन पर कर रही है, एहसान उन पे कर रही है। और ज़रूरत तेरी बेटी को थी, छोटा सा छोड़ के तेरे पास जाके उसको जॉब करने की ज़रूरत तेरी बेटी को थी। अरे तुम लोगों को तो उनके पैर पूंछ पूंछ के पीने चाहिए कि वो फिर भी तेरी बेटी को परमिशन दे रहे हैं जॉब करने की। अपनी इंडिपेंडेंस का जो नजायज़ फ़ायदा उठा रही है ना, वो कंचन उठा रही है। आवारा गर्दी 24 घंटे स्कूटी पे, ना घर पे काम करना, ना कभी उनकी हेल्प करनी, नहीं, जॉब पकड़ी इसलिए ताकि उन घर के कामों से छुटकारा हो, वो ना करना पड़े।
तो वो तो फिर भी झेल रहे हैं तेरी बेटी को, वो तो फिर बहुत अच्छी सास है, और तू तो फिर कंचन की सास के जुत्ती के बराबर भी नहीं है तू। डायन, डायन ही बोलूँगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं। उम्र अमर का लिहाज तभी होता है जब बंदा अपनी उम्र के हिसाब से रिएक्ट करे, जब बंदा अपनी उम्र के हिसाब से पेश आए। जब बंदा 60-70 साल का बंदा बेशर्म हो जाए तो फिर आप उसकी रिस्पेक्ट कैसे करोगे? तो यहाँ जिसको ज्ञान देना है ना कि बुढ़ी है उसकी रिस्पेक्ट को, तो बुढ़ी को अपनी उम्र के हिसाब से एक्शंस अच्छे लगते हैं। आप जैसे एक्शंस करोगे आपको वैसे ही रिएक्शंस मिलेंगे। और अब तो हमारे पास और भी खुला का टाइम है, क्या उसको लाइसेंस भी मिल गया अब तो हमको, लाइसेंस बात करने का लाइसेंस। यहाँ पे बहुत बात होती है ना कि वो तो वाईटी पे भी नहीं है, उसकी बात करते हैं, ये भी वाईटी पे नहीं उसकी, अब तो वाईटी पे आ गई इसकी माँ, है ना, अब तो वाईटी पे आ गई ये भंकू की माँ, तो अब तो बात कर ही सकते हैं ना, अब तो इसके कच्चे चिट्ठे भी खुलेंगे सारे, इसके भी चट्ठे खुलेंगे सारे, फिर उनकी भी एक्सप्लेनेशन दे आके मैं खोलूँगी। अभी बहुत सारी बातें मैं खोलूँगी, इसकी जवानी के टाइम की बातें खोलूँगी, जब अभी बच्चे नहीं हुए थे, नई नई शादी हुई थी ना इसकी बंकू की माँ की, तब की बातें बताऊँगी आपको। अभी चैनल पे अच्छे तरह से इनको आने तो दो, खड़े हैं हम भी, खड़े हैं, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं हैं, डोंट वरी। अब तो कदम भी फूक फूक के रखेंगे, देले जोन से स्ट्राइक देनी है, है? मैं तो तेरी बहन का नाम सीधा लूँगी कंचन, सोमा डायन, तेरी माँ का नाम भी लूँगी, तेरा भी लूँगी। क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, उखाड़ ले जो उखाड़ना है, दे रहा है ना तू। मैं सच कहती हूँ, ये तो प्रीति है, प्रीति हमारी साइड से होती ना, हमारी साइड से तुझे पंजाब से किसी ने लड़की दी होती ना, तो ये जो भौंक रहा है ना, तुझको पता है कि सामने वाले भले मानस हैं, कोई ऐसा ये एक्शन नहीं लेंगे। पंजाब में तू ले किसी से पंगा, है पंजाब में ले, जो बात तू करता है ना, चाचे ताए मासी मासड़ सब के, ये ऐसे नहीं है फुकरे, ऐसे FUDDU कजन्स नहीं है हमारे, जैसे ये प्रीति के निकले लानती बेशरम कि तेरे साथ आके खड़े हो गए। होता तेरा पंजाब में रिश्ता तो कज़न ब्रदर्स आते, पहले तो तेरी करते तसल्ली, अच्छे से तेरी तसल्ली करते। ये जो टांग तूने एक्सीडेंट में तोड़वाई है ना, तो वो फिर दूसरे तरीके से तोड़ते, एक हाथ तोड़ते, एक टांग तोड़ते, होते हैं पर्चे, बहुत होते हैं पर्चे, ऐसे पर्चे पुर्चे ना, मार पिटाई के कोई नहीं डरता पंजाब में इन पर्चों से। मेरे को नाम भूल गया, तब बड़ा मशहूर होता था ये पर्चा, जब किसी को मारते हैं उसके चोट लग जाए, खून खून निकल आए, तो तब वो पर्चा होता था। अरे उनकी जमानतें हो जाती हैं, है? हमारे कजन्स पे पता नहीं कितने हुए होंगे। तो तेरी तो फिर वो ना पंजाब के लड़के होते, पंजाब की लड़की होती ना, तो उसके फिर भाई कज़न ब्रदर सब आके तेरी ऐसी तसल्ली करते ना कि तू डर से ही वाईटी छोड़ देता, डर से ही छोड़ देता। ये तो अब तुझे पता है कि सामने वाले ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लीगली चले ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि तुझ पे ना, वो ऐसे लोग हैं ही जो तू बड़ा बोलता है ना पंजाब पंजाब, तू पंजाब का भी नहीं है, है? तू मिक्स खून है, तुझे बता दूँ तू मिक्स खून है, डरपोक, जनानियों के सामने ही फुदकने वाला है तू। चार अच्छे खासे मर्द सामने जब आके खड़े होंगे ना, तब बीच में ही निकल जाएगा तेरा, ये मैं तुझे श्योरिटी से बताती हूँ, समझा? और जो चमचे चमचे जो अपनी सगी कजन के नहीं हुए, वो तेरे क्या होंगे, वो भी नहीं पास फटकेंगे फिर, समझा ना? ये तेरी असली औकात है पंजाब, अच्छे किसी से पाला नहीं पड़ा। अब करियो दूसरी शादी, करने का भूत सवार हुआ है ना, तो अब करियो पंजाब में, करियो अच्छा ठेठ पंजाब में, और कहीं दुआबे में तो कर मत लेना, दुआबे में करेगा ना तो फिर तो तेरा भंगड़ा अच्छी तरह से करवाएंगे, समझा? कर शादी, अब कर, वो भी फोर्स कर रही होगी। और मैं तो प्रीति, मैं तो सच्ची बोलती हूँ, पहले मेरा था, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि ठीक है भाई प्रीति, तू बोल कोर्ट को कि मुझे जाना है, बोल के इसको दो 6 महीने का टाइम,
डिवोर्स विवोर्स ऐसे नहीं देना, अगर डिवोर्स इसने करना है अप्लाई करे, उसके बाद फिर बहुत सारी बातें हैं होती हैं जो, समझी ना। इतनी जल्दी अब इतना तेरा फ़ायदा उठा लिया, इतनी तेरी ज़िंदगी तेरी ख़राब कर दी, अब आसानी से छोड़ने का तो टाइम है नहीं, फिर आसानी से तो मत जाने दो। अब तो वो जो दूसरी ये समझ के बैठी है ना कि ये बंदा जल्दी से छुटकारा करेगा, फिर हम ऐसे शादी कर लेंगे ये वो, फिर ऐसा तो होने मत देना हैं। और माँ को बड़ा चा चढ़ा हुआ है, हैं माँ की तो बोली बदल गई है भाई, माँ की तो इतनी मिन्नी मिसनी, इतनी चलाक औरत है भैया, मैं तो इसके रंग देख के हैरान हूँ। ये वाइटी वाला रंग तो गांव में किसी ने भी देखा, गांव वाले थू थू करते हैं इस पे, गांव वाले थू थू करते हैं कि माँ बेटे ने कंजरों वाले काम पकड़ लिए हैं। आपको क्या लगता है कि एक एक से स्पीकर में जाके बुलवाएगा कि बताओ हम अच्छे हैं, अच्छे हैं? गांव में लोग थू थू कर रहे हैं कि ये माँ बेटा कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, मरे हुए बाप के पेपर दिखा के पैसे कमा लिए, क्या अब वो जिंदा हो जाएगा? क्या उस कुत्तों वाली हरकतें कर रहे हैं, होशों वाली हरकतें, आपे से बाहर हो गए हैं दोनों माँ बेटा, और ये हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कर्मा। अब खुद नंगे होंगे वाइटी पे, ये मैं बोल रही हूँ, खुद नंगे होंगे वाइटी पर, अपनी इज्जत खुद उछालेंगे वाइटी पे, देख लेना तुम लोग। माँ आ गई ना इज्जत उतार के, सब कुछ टेस के बहाने लग गई ना, जो ज़िंदगी में इसने नहीं बहाए होंगे हस्बैंड के जाने के बाद, अब बहा रही हैं। अब बहा रही हैं क्यों? व्यूज़ आने भाई, बिकाऊ। वो सुना था ना कि पैसे के आगे सब फेल है, पैसा बाप बना लिया लोगों ने, पैसा बाप है लोगों का, ईमान है, धर्म है, सब कुछ लोग, इन लोगों ने पैसा बना लिया है, और लोगों को लूटने के लिए क्या, वही दो नंबरी घंटी बचा के लड्डू गोपाल के आगे कि हम तो बड़े संस्कारी हैं। भाई लड्डू गोपाल को भी तुम्हारे घर में बैठे हुए शर्म आती होगी कि ये लोग किस तरह के गिरे हुए इंसान हैं, एक औरत, एक लड़की और एक बच्चे के साथ इतना कुछ करने के बाद भी अपने आप को सच्चे बता रहे हैं। अब तो मुझे लगता है चले गए होंगे तुम्हारे घर से, तुम्हारी ये इतनी गंदी हरकतें देख कर ना चले गए होंगे तुम्हारे घर से। शर्म करो, शर्म कर आंटी, शर्म कर, इतनी तेरी उम्र हो गई है, अपनी उम्र के हिसाब से बंदा एक्शन करता अच्छे लगता है, ये गंदे जो गंदे तू दलदल में इस गंदे काम में पड़ रही है ना, अपने बेटे के रास्ते पे चल रही है कि डॉलर्स कमाने के लिए इज्जत बेच दो, अपनी डिग्निटी बेच दो, वो काम तूने शुरू कर दिया है, तो फिर लड्डू गोपाल को रहने दे लोगों को दिखाने के लिए। क्यों तू लोगों को गलत, तू लोगों को एक गलत दिशा दे रही है कि एक तरफ भगवान की पूजा दिखाओ और दूसरी तरफ से दो नंबर धोखे और हराम की कमाई को कमाओ, कैसे कमाओ वो तू तरीके बता रही है लोगों को। तो शर्म कर, उम्र के हिसाब से एक्शन अच्छे लगते हैं, ये तेरी उम्र पे ये सब ड्रामा नहीं जचता। तेरा बेटा कर रहा था ठीक है, तेरी बेटी कर रही थी ठीक है, लेकिन तू तो शर्म कर। ऊपर से क्या बोलूँगा मैं, ऊपर से तुम्हारे घर में कोई मौत पर बंदा नहीं है, ये तो बंदा है ही नहीं। कुछ लोगों को बहुत गुस्सा चढ़ता है कि जनाना, भाई जनाना औरतों को नहीं बोलते, जनाना औरतों को नहीं बोलते, औरतों को जनानी बोलते हैं, लेडीज। जनाना उसको बोलते हैं कि जो पैदा तो लड़का होता है लेकिन उसकी आदतें औरतों जैसी होती है, कि जैसे कि ये है प्रीति की सास है, ये जो अंकुश है ना, ये प्रीति की सास ही है, जनाना है। जली कटी सुनाने में, ईगो दिखाने में, गुस्सा दिखाने में, मारने पीटने में कमी नहीं छोड़ता था, शराब पी के तो फिर ये बिल्कुल वो निहायती गंदा। और ये जो आपको बताता है ना, आगे मेरी गाड़ी से ये ठुक गया, इसी ने मेरा गाड़ी का नुकसान, सारे नुकसान शराब पी पी के खुद ठोकी है गाड़ी इसने, पहली गाड़ी भी ऐसे ही ठोक ठोक के उसकी कुछ भी कीमत नहीं बची थी, अब ये खुद वाली भी देख लो कितनी ठोकी है, और बता देता उसकी गलती थी। तू रह गया बड़ा ड्राइवर के, तूने कभी गलती नहीं की,
तो ये इनकी औकात है। और अब तो खुल के सामने आ रहा है, दूसरी शादी, दूसरी तरफ से प्रेशर बन रहा है, इसीलिए अब नाइन वापस लेगा और डिवोर्स अप्लाई करेगा। प्रीति मत देना इसको डिवोर्स, मत देना, खींच ऐसे ही इसको, इसको अब पता चले कि आसानी से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आसानी से। कानून टाइम लेता, अच्छा ही फैसला करेगा। जो ये कोशिश कर रहे हैं ना कि मैं कानून की आंखों में धूल झोंक दूं, तो भाई वो तो पॉसिबल नहीं है। वो तो कानून कहते हैं ना, कानून अंधा है, लेकिन उस अंधे को भी नज़र आता है सब कुछ। वो जानबूझ के पट्टी बांध रखी है उसने, ताकि लोगों को लगे कि कानून अंधा है और लोग अपने आप को समझे चलाक। बस चलाकी चलाकी में फिर पट्टा बैठ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब उन सब लोगों को बोलूँगी, अब तो अपनी आंखों से पट्टी खोलो, जो कहते हैं अंकुश घर बसाना चाहता है, अंकुश घर बसाना चाहता है, अरे मर जाओ डूब के, जिन कुत्तों को ये लगता है कि घर बसाना चाहता है। अरे कमीनो, इसकी शुरू से इंटेंशन घर बसाने की नहीं थी, इसको चैनल बसाना था, YT पे चैनल बसाने थे इसको एक दो, इसलिए प्रीति से शादी की। और अब आ रही है बार मेंटालिटी, नहीं प्रीति तू वापिस जा, तू वापस जा, अपनी ले गवर्नमेंट से परमिशन, कोर्ट ऑर्डर्स ले, परमिशन ले, लिख के छोड़ के भाई मुझे खतरा है लेकिन मुझे जाना है, बच्चे के लिए जाना है, मुझे तलाक तो इतनी आसानी से देना नहीं है इसको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही। बोल बोल के सर दर्द होने लग जाता है। बाय।